मैं प्रतिमा मिश्रा, लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे संगीत में स्वरों का क्या महत्व। ये स्वर कौन कौन से हैं, मुख्यतः रूप से कौन कौन से हैं और इन स्वरों का पूरा नाम क्या है। मानव जीवन में संगीत का एक अपना ही महत्व है, क्योंकि बिना संगीत के जो जीवन होता है वो नीरस होता है, इसमें कोई किसी प्रकार का रस नहीं होता। इसलिए संगीत अपने आप में एक ऐसी विधा है जो जीवन शैली को इतनी रोचक और इतना निश्चिंत बना देती है कि कब मनुष्य कितना भी तनावपूर्ण हो, लेकिन इस संगीत के जरिए वो बहुत सारी कार्य में पारंगत हो सकता है, यदि वो संगीत के गूढ़ रहस्य को समझ सके। तो हम पहले चर्चा करेंगे कि संगीत के ये स्वर कौन से हैं और इनका पूरा पूरा नाम क्या है। सबसे पहले जानिए, संगीत में मुख्यतः 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। वो स्वर कौन कौन से हैं? सा, रे, ग, म, प, ध और नी। क्रमशः इन्हीं के इनके पूरे नाम कैसे हैं? सा अर्थात षड्ज, रे अर्थात ऋष, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत और नी निशा। ये 7 स्वर मुख्यतः रूप से इन सब का प्रयोग हमारे संगीत में बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे तो अगर देखा जाए तो एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। इसका मतलब है आप इसको विभाजित करेंगे तो पता चलेगा कि एक सप्तक में 12 स्वर कैसे होते हैं। वो इस प्रकार हैं, जैसे इसमें 7 स्वर शुद्ध होते हैं, सा रे ग म प ध और नी, ये 7 स्वर शुद्ध कहलाते हैं। इसके अलावा 4 कोमल स्वर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो जान लेंगे। रे ग ध और नी, ये स्वर कोमल होते हैं। और एक ऐसा स्वर है जो अकेला तीव्र होता है, वो है मध्यम। तो कुल मिला के 7 स्वर शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र, ये मिला के आपके 12 स्वर होते हैं जो एक सप्तक में मिलते हैं। हम अगले वीडियो में आपसे इसी के विषय में चर्चा करेंगे कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं और ये सप्तक होते क्या हैं। तब तक के लिए आप लोग ये जो भी स्वर बताए हैं इन सबको ध्यान से पढ़िए, इन सब का नाम पूरा याद कीजिए और फिर इसके बाद से अगले YouTube चैनल पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।